मुबारक ईद मुबारक 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 मुबारक ईद मुबारक। वेलकम बैक। जी मैडम, हम बात कर रहे थे तो बात यह कि ईद की नमाज के लिए जैसे मर्दों को जाना है, ऐसे ख्वातीन को भी, बच्चों को भी, ये मुश्तरका खुशी के लिए सबसे अहम मौका है, क्योंकि जब ईद की नमाज अदा की जाती है तो ईद की नमाज के बाद लोग आपस में मुलाकात करते हैं, लोगों की मुलाकात के लिए एक अच्छा फोरम भी है ईदगाह, और खुले मैदानों में लोग इकट्ठे होते हैं, अल्लाह की तकबीर, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, फिर जैसे नमाज ईद के दौरान भी तकबीरात होती हैं, फिर दुआ का जो सिलसिला है वो रब के साथ एक कुर्बत का ताल्लुक, फिर ये कि चूंकि ये इनाम का दिन है और इनामात तकसीम होते हैं रब ताला की जानिब से, ये सिलसिला ईद की नमाज ही के मौके पर होता है, तो ऐसे मौके पर ख्वातीन को पीछे नहीं रहना चाहिए, ख्वातीन को ज़रूर पहुँचना चाहिए, और हर खुशी मनाने का अपना एक अंदाज़ होता है, और ईद को मनाने के लिए यही अंदाज है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो हमें मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ईद की खुशी में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, ख़वातीन की तैयारी, कि ख़वातीन किस तरह से जो है वो ईद की तैयारी करती हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी और कपड़े। तो बुशरा से मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि आपने ईद की तैयारी की तो किस तरह का लिबास है जो ख़ास तौर पर बनवाती हैं? ईद के ड्रेस के हवाले से जहाँ तक बात है तो वो कोशिश ये होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह के इस्लामी तर्ज अमल का ही हो। इसके अलावा जहाँ तक चूड़ियाँ वगैरह का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह गिफ्ट्स भी मिल जाते हैं और कुछ खुद भी कंट्रीब्यूशन हो जाता है। बस ये तैयारी रहती है कि ज़्यादातर जो मुझे अच्छा लगता है वो गिफ्ट्स देना अच्छा लगता है, तो फिर वो ज़्यादा एक्टिविटी जो रमज़ान के बाद जो होती है वो यही होती है कि फ्रेंड्स को दे दूँ। और फिर मुझे ड्रेस गिफ्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैडम, आप ईद की रात में मेहंदी लगवाती हैं? चूड़ियाँ जहाँ तक पहनाने का ताल्लुक है, बच्चियाँ तो चूड़ियाँ पहनती हैं, लेकिन मैं ख़ुद चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। मुझे ज़ाती तौर पर ऐसे कि एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं मेहंदी, चूड़ियाँ, ये चीज़ें जो है मेरे लिए मुश्किल हो जाती हैं। फिर ईद में आप मुलाकातों के लिए भी कहीं जाती हैं या लोग आपसे मिलने के लिए घर तशरीफ़ लाते हैं? मिलने के लिए भी आते हैं और जाते भी हैं। कितना वक्त फैमिली को देती हैं और कितना वक्त, क्योंकि आपकी मसरूफियात की नौीयत ऐसी होती है कि हर किसी का दिल होता है कि ईद के दिन भी आपसे ज़रूर मिला जाए, तो किस तरह से टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती हैं? इतना अल्लाह की रहमत है कि उसने ईद की नमाज का जो सिलसिला रखा है तो सारे लोगों से एक ही वक्त में मुलाकात हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे यानी एक जो बहुत पुराने पुराने लोग, ऐसे अफराद जिनसे बहुत अरसा हो चुका होता है मुलाकात नहीं होती, तो ईद के मौके पर मुलाकात हो जाती, और वहाँ ईद के मौके पर नमाज के बाद भी काफ़ी वक्त लग जाता है लोगों से मुलाकात करते हुए, और वहाँ से जब लौटते हैं तो काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हो चुकी होती है, तो इस लिहाज से यानी फिर भी जिन लोगों का जी चाहता है दोबारा मिलने को तो लोग मिलने के लिए भी आते हैं, और मेरा ज़्यादा वक्त ईद के दिन अपनी फैमिली के साथ ही गुजरता है, यानी फैमिली से अलग होकर ना मिलने के लिए कहीं जाना होता है, ना ही ये है कि जब लोग आते हैं तो तब भी सारी फैमिली इकट्ठी यानी मुलाकात का सिलसिला भी रहता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका इतना रिसर्च का सिलसिला रहता है, मुतालिया में मुख्तलिफ चीज़ें रहती हैं। अच्छा, बाज़ लोगों का दावा है, बल्कि ये कहना चाहिए कि बाज़ लोगों का प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम औरत को तफरी के मौके प्रोवाइड नहीं करता, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या इस्लाम में औरत की तफरी का कोई बंदोबस्त है? फरा खुशी के हवाले से तो यानी औरत खुशी का बायस है, और खुशियाँ बांटने में औरत का बड़ा अहम किरदार है, और खुशी के मौाक़े का जहाँ तक ताल्लुक है ख़वातीन के लिए, खुशी के मौाक़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा किए, जैसे ईदी का दिन था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से पूछा कि क्या आप देखना चाहोगी
तो हज़रत आयशा ने कहा कि हाँ मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पीछे यूँ ले लिया कि हज़रत आयशा कहती हैं कि मेरा रुखसार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार को मस कर रहा था और मैं बनी इरफिदा के करतब देख रही थी। ये फौजी करतब दिखा रहे थे, हबशी अपना यानी इस किस्म के करतब दिखा रहे थे, क्योंकि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी एक्टिविटी, किसी सरगर्मी को देखना चाहें उसमें मकसदियत नुमाया नज़र आती है। और ये कि मकसदियत की के साथ जो तफरी होती है वही हकीकी तफरी होती है और खुशी का बायस भी होती है, और उसके बाद पशेमानी और परेशानी भी नहीं होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो करतब दिखाए, हत्ता कि हज़रत आयशा थक गई। आपने पूछा कि बस, यानी और नहीं देखोगी? तो हज़रत आयशा ने कहा कि बस। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस पलटा के ले आए, तो आपने अपने सामने ये करतब दिखाए, और ज़ाहिर है कि वो मर्द थे और हज़रत आयशा खातून थी, और हज़रत आयशा ने वो सब कुछ अपने सामने देखा। और इससे ये पता लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से खुशियों का सामान किया भी करते थे और उसमें ख्वातीन को भी शरीक किया करते थे। इसी तरह से ईदी का दिन था और सईदा आयशा की दो फ्रेंड्स आई हुई थी जो दफ बजा रही थी। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आए, तो उनको हज़रत आयशा की फ्रेंड्स की मसरूफियत देखकर बहुत यानी तैश आया। कहने लगे अल्लाह के रसूल का घर हो और उसमें ये हालात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर कहा कि जाने दो, आज ईद का दिन है। लेकिन इसके हवाले से एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि शायद यानी उसकी वजह से हर किस्म के बोल, हर किस्म की मौसीकी की इजाज़त गोया के बहुत सारे अफराद ऐसा करते हैं कि गोया के इसकी इजाज़त ही दे दी गई। वो बोल क्या थे? जंगे बवास के अशआर थे जो वो बच्चियाँ गा रही थीं, और वो और ज़्यादा जंगी जोश पैदा करने के लिए। तो इस लिहाज से यानी वो अशआर ऐसे नहीं थे जिसमें कोई बेहयाई की बात हो या उन अशआर में कोई यानी मायार से गिरी हुई कोई बात हो। और फिर ये कि जो बच्चियाँ ये गीत गा रही थीं उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ नहीं हो रहे थे, दफ़ का इस्तेमाल था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि खुशी मनाने के लिए ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें शामिल की जा सकती हैं। और कितना ही अच्छा हो कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन मदीना आए थे तो मदीना की बच्चियों ने किस तरह गीत गाए थे, तलाल बदरू अलैना, तो 14वीं का चांद हम पर तुलू हुआ है। तो इसी तरह से यानी हम अपना रिश्ता, अपना नाता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ते हुए खुशी मनाएं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि ये खुशी भी अल्लाह के कुर्ब का जरिया होगी। और इसी तरह से हम लहवो लाभ से बच के यानी ऐसी ऐसे खेल, ऐसे तमाशे जिनका कोई एंड रिजल्ट यानी ऐसा ना हो जिस जो इंसान को तस्कीन देने वाला, उनसे बच के बाकी मसरूफियात जहाँ पे सब लोग मिल बैठे हैं जो बामकसद हों, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। वो चीज़ें और ज़्यादा खुशियों का बायस भी बनती हैं, लोग आपस में मसरूफ़ भी होते हैं, लोगों के ताल्लुकात भी बेहतर होते हैं। और इसके अलावा ये कि ख़वातीन को तफरी के मौाक़े बहम पहुँचाने चाहिए कि उसमें ईद का दिन नॉर्मली अगर आप देखें तो ईद के दिन अगर ख़वातीन नमाज के लिए नहीं जाती तो इस वजह से कि घर पे रह के उन्हें ज़्यादा आने वाले मेहमानों की तैयारी करनी है, उनके लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना है, और उसकी वजह से ईद की नमाज तक से रुख्सत ली जाती है। लेकिन अगर इस्लाम के मिजाज को देखें तो हर मकाम पर इबादत के हक़ से भी इस्लाम ने महरूम नहीं किया। फिर इसी तरह से ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही खुशियाँ मनाएंगे, और ये भी नहीं है कि मर्द ही सिर्फ मुलाकातें करेंगे, पूरी फैमिली यानी ख़वातीन भी बच्चे भी और सब अगर बाहर निकलें किसी पार्क में, किसी तफरीगाह में, कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ अच्छे तरीके से खुशी मनाई जा सके तो ख़वातीन को ले जाना चाहिए, और बच्चों के साथ उनकी भी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, और उनको सिर्फ घर में मेहमानों की खिदमत के लिए ही मामूर नहीं करना चाहिए। जैसे आम तौर पर ख़वातीन सजती संवरती भी हैं ईद के दिन, लेकिन किचन से उनको फुर्सत नहीं दी जाती। तो मुझे ऐसा फील होता है कि ख़वातीन की हक़ तलफी होती है, तो हक़ तलफी नहीं होनी चाहिए, हक़ देना चाहिए उनको भी
अपनी ज़िंदगी पर हक़ है, और इस्लाम उन्हें ये हक़ देता है कि वो अपने फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ इन खुशियों को बांटें। जैसा अलहमदर अल्लाह आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, यहाँ पर मैं भी जानना चाहती हूँ, मेरे ख्याल में मेरे सब साथी भी जानना चाहते हैं, ना सिर्फ हम में से घर में बैठा हुआ हर फर्द ये ज़रूर जानना चाहता है कि जिस मिशन को आप लेके उठी हैं, आप ख़वातीन को उनके दीनी किरदार सिखाने के हवाले से माशरे में एक अहम रोल प्ले कर रही हैं, ना सिर्फ दीनी किरदार के हवाले से बल्कि ख़वातीन के माशरती किरदार के हवाले से भी आपके एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपके आने वाले एक प्रोग्राम जिसमें बदले की औरत बदले के जहाँ के नाम से आपने रिसर्च भी की, लोगों को सिखाने का एक बड़े पैमाने पे ये सिलसिला भी हुआ, तो ये सारी एक्टिविटीज़ को आप कैसे बैलेंस करती हैं, और इस ये जो मिशन आप लेके चल रही हैं इसके बारे में अगर हमें कुछ बताएं। बात यह है कि जिस उम्मत से हमारा ताल्लुक है और जिस नबी की हम उम्मत हैं, रब ताला ने इस उम्मत को खैर उम्मत करार दिया है। और रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की खातिर निकाला गया है। और बात है उखरिजत लिन्नास, इससे ये पता लगता है कि ये उम्मत लोगों की खातिर निकाली गई है, उठाई गई है, और इस उम्मत ने जो काम करना है, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये सोसाइटी के पीस के लिए, सोसाइटी के अमन के लिए। एक खानदान के अंदर भी अमन तभी कायम होता है, हद तक एक इंसान के अपने अंदर भी अमन तभी कायम होता है जब कुछ लोग बुराई को बर्दाश्त ना करें, और कुछ लोग ऐसे जरूर हों कि जो नेकी की तरफ रागिब करते रहे। सूरह आल इमरान में जहां पर यह बात कही गई, कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, वहीं पर इससे पहले यह बात भी की गई थी, वल तकुम मिनकुम उम्मतु यदउना इलल खैर, कि तुम में से एक ऐसी जमात है, एक ऐसा ग्रोह जरूर होना चाहिए जो लोगों को दीन की दावत दे, भलाई की दावत दे, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो, और होते हैं कि जो फुल टाइम ये काम करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बाकी तमाम लोग पार्ट टाइम, तो ये सब पूरी उम्मत के अफराद ही काम करेंगे ताकि उम्मत दावत अपना सही किरदार अदा कर सके। जैसे इंसान के सीने में दिल है, खून पंप करता है, पूरी बॉडी को पहुंचाता है, इसी तरह से इस उम्मत ने कौमों के दरमियान हार्ट जैसा रोल प्ले करना है, तो इसने पूरी इंसानियत तक रब के पैगाम को पहुंचाना है। तो इस पैगाम को पहुंचाने के लिए जाहिर जहां मर्द काम करेंगे, खवातीन के दायरे में खवातीन काम करेंगी, और खवातीन का दायरा इस लिहाज से ज्यादा बड़ा हो जाता है कि खवातीन ने बच्चों के फील्ड में भी काम करना है, और बच्चे उन्हीं की गोदों से पल बढ़ कर जवान होते हैं। और जैसे नेपोलियन ने भी ये कहा था, अगरचे वो एक काफिर था, लेकिन बहरहाल बात उसने बड़े पते की कि तुम मुझे अच्छी माँ दे दो, तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूंगा। तो इस लिहाज से इस्लाम ने भी खातून के किरदार पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया मता, कि दुनिया साजो सामान है, और दुनिया का बेहतरीन साजो सामान नेक औरत है, साले औरत है। तो ये सालेहियत है जिसके लिए हमने एफर्ट करनी है, क्योंकि यही इंसानियत की, इंसानियत का मायार है और इंसानियत की बुलंदी है, और इंसानियत को तरक्की करते करते इसी मकाम तक पहुंचना है। इसके लिए जाहिर है कि अपनी ज़ात के लिए अगर एक इंसान सिर्फ इल्म हासिल करता रहे, सिर्फ अपनी ज़ात की तरक्की के लिए कोशिश करता रहे, तो सोसाइटी के अंदर चेंज नहीं आती, बल्कि अपने घर के अंदर भी तब्दीली नहीं आती। जब तक कि इंसान इसे उस मिशन के तौर पर कबूल नहीं करता जो नबियों का मिशन है, जिसके लिए नबियों को भेजा गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सैयदा आयशा ने इस मिशन को कबूल किया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद 48 बरस तक अल्हम्दुलिल्लाह इस दीन के सिलसिले को जारी रखा। इसी तरह से ये ख्वाहिश भी है, तमन्ना है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए कोशिश भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिशन के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, इस मिशन को आगे बढ़ाते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए यानी यूं तो हर हलके में ही कोशिश है, लेकिन ख्वातीन के लिए ख़ास तौर पर इस वजह से
कि एक खातून के बदलने से जहान में तब्दीली आती है और ख्वातीन ना तो अपने हुकूक को पहचानती हैं उस तरह से जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान करवाई, ना ही अपने फ़राइज़ को उस तरह से पहचानती हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये एक एफर्ट है और इसी मकसद के लिए हम तालीम के सिलसिले को भी जारी रखे हुए हैं और पब्लिक में भी अवेयरनेस के लिए, बेदारी के लिए पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी इन कोशिशों को जारी रखे हुए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका इदारा इस वक्त कहाँ कहाँ पर काम कर रहा है और किन फील्ड्स में ज़्यादा मौसल काम कर रहा है। पाकिस्तान के तकरीबन 19 शहरों में बाकायदा तौर पर ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, बड़े शहरों के अलावा छोटे सिटीज़ में भी और पाकिस्तान के अलावा बैरून ममालिक में भी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अभी यूएई में दौरे क़ुरान हुआ, इसी तरह से फिर बाकी ममालिक में भी ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी यानी जो असल फील्ड है अथेंटिक इल्म को, यानी क़ुरान और हदीस के इल्म को लोगों तक पहुंचाना, ये मतलूब है ताकि लोग बेसाखियों से बच जाएं। आज हमने आपकी महफिल से हम सभी मुस्तफ़ीद हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये चाहती हूँ कि आप आज ईद के ख़ास मौके पे पैगाम टीवी के नाज़रीन के लिए भी कोई ईद का ख़ास पैगाम देना चाहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि हर कौम के लिए एक ईद होती है और ये हमारी ईद का दिन है। ईद का दिन बार बार लौट कर आता है। ईद खुशी का नाम है और हकीकी खुशी तब नसीब होती है जब इंसान खुशियाँ बांटता है। इसीलिए इस्लाम ने ईद की खुशियाँ मनाने के वो सारे तरीके बताए हैं जिसमें हम खुशियाँ बांट सकते हैं, जैसे ईद का चांद देखने पर मुबारकबाद देने का सिलसिला, जैसे ईद की नमाज का सिलसिला और ईद की नमाज के बाद मुलाकात का सिलसिला, आपस में बगलगीर होना, फिर इसी तरह से एक दूसरे को मुबारकबाद देना और ये कहना तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम कि अल्लाह ताला हमसे भी कबूल करे, आपसे भी कबूल करे। इसी तरह से जैसे ईद के मौके पर रिश्तेदारियों को जोड़ने के लिए एक दूसरे से तहफ का तबादला करना, इसी तरह से वो सारे अफराद जो इन चीज़ों से महरूम हैं, माल से महरूम हैं या मोहब्बतों से महरूम हैं, उन लोगों से खुशियाँ बाँट कर रब की कुर्बत हासिल की जा सकती है क्योंकि वो रब का कुंबा है। तो रब के कुंबे का ख्याल रखेंगे तो वो आसमान वाला हमारा ख्याल रखेगा। तो ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला आप पर रहम करेगा। मेरी जानिब से भी सब नाज़रीन को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक और मैं अपने मेहमानों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ लम्हात निकाले और हमारे साथ अपनी ईद की खुशियों को बांटा। उम्मीद है कि आप पैगाम टीवी देखते रहेंगे और हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुबारक ईद मुबारक, 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 मुबारक ईद मुबारक।